शामिल है। हाल ये है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में भी कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि आज हल्की फुहारों से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं नॉर्थ इंडिया में मॉनसून आ चुका है, इसके चलते सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भारी रेनफॉल हुआ है। 10 से 20 सेंटीमीटर की बारिश दर्ज हुई है और आगे भी बारिश होने की उम्मीद है। और कैसा रहेगा अगले कुछ दिन मौसम का हाल, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा से खास बातचीत की। दिल्ली में बढ़ा हुआ तापमान दिल्ली वालों की परेशानी का सबब बना हुआ है और पूरी दिल्ली इस समय जो है वो भीषण गर्मी से जूझ रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा और अभी क्या स्टेटस है, उस पर बात करेंगे हम। आईएमडी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमा। मैम, क्या कुछ स्थिति अभी की है, एट प्रेजेंट कैसे देख रहे हैं वेदर को? अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी हीट वेव का स्थिति चल रही है। सीवियर हीट वेव रियलाइज भी हुई है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल के एक दो डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न एंड जो है। हीट वेव से कैसे राहत मिलने की उम्मीद है, कुछ बारिश की संभावना इन दिनों में लग रही है दिल्ली एनसीआर को ले लिया? दो चीज़ हैं, एक तो है कि हीट वेव आपका दिल्ली के आसपास के इलाके में चलेगा, यहाँ पर बहुत जल्दी राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। जो राहत मिलेगा ईस्टर्न साइड में, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज और कल रहेगा, जिसके चलते थोड़ा बादल भी रहेगी जिसमें मगर वो होगा मेनली आफ्टरनून में, जब आपका डे टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच चुकी होगी उसके बाद। तो इसके चलते हमारा ऑरेंज अलर्ट दो दिन रहेगा दिल्ली के लिए। जो लोग रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास, फिलहाल अभी छुट्टियों का मौसम भी है, क्या पर्सनली आपकी एडवाइस रहेगी कॉमन लोगों को, जो लोग बीमार हैं, कि वो ऐसे मौसम में क्या क्या हिदायतें लें, कैसे कैसे बचें उनसे? अभी सिर्फ टेम्परेचर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दो और चीज़ें खतरनाक है, एक है मॉइस्चर, दूसरी है लू विंड्स। आपका बिहार झारखंड से इस साल बहुत कैजुअलिटीज आए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण पसीना कम सूखती है, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है। इसके चलते बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी और बंगाल, इन सभी राज्यों से ये पिछले 10-15 दिन में काफ़ी कैजुअलिटीज़ का खबर आई है। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा तो नहीं है, मगर स्ट्रॉन्ग लू विंड्स बह रही है, 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स जो 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर लेके बह रही है, वो शरीर को एकदम सुखा के डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इसके चलते हम दरख्वास्त करेंगे, और साथ ही वार्म नाइट भी चल रहे, वार्म नाइट मतलब रात को भी टेम्परेचर में खास गिरावट नहीं है, तो इससे आपका हीट रिलेटेड बीमारी जैसे दस्त होने का संभावना बढ़ जाता है, और आपका बीमार लोग या बुजुर्ग लोग या बच्चों लोग, जो लोग बच्चों का स्पेशली अभी स्कूल का वेकेशन भी चल रहा है, दोपहर के समय या 11 बजे से 4 बजे के बीच में घर से ना निकले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खतरा रहती है टेम्परेचर्स के साथ एसोसिएटेड, और निकलेंगे भी तो काफ़ी पानी पी के निकले और छतरी लेके निकले। तो ये थी डॉक्टर सोमा जो बता रही थी, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली में बना हुआ है, जल्द ही इन जो वेस्टर्न विंड है वो आ रही है, तो उससे कुछ जरूर आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी लोग बच के रहें, ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले। क्या पीयूष के साथ मुकेश शुक्ला, डी डी न्यूज़ दिल्ली।